नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जंग चल रही है। जुबानी जंग के साथ ही रैलियों में भी इसका असर देखा गया है। आप भी चुनाव जीतने में पूरा दमखम लगा रही है। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसी बीच जब पंजाब असेंबली चुनाव में अब केवल 2 दिन बचे हैं, अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी और कवि कुमार विश्वास ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से सभी विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरने में लगी हैं। इसके बाद अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। सियासत के माहिर खिलाड़ी की तरह उन्होंने खुद को स्वीट आतंकवादी कहकर विरोधियों को खामोश करने की कोशिश की है। सीएम केजरीवाल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनाव से पहले हमें हराने वाली सभी पार्टियां एक हो गई हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो 10 सालों से मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दिए इंटरव्यू में आगे कहा कि मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं, जो अस्पताल बनाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। इस तरह का आतंकवादी तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे ये क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनकी, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी पिछले 10 साल में? 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। केजरीवाल ने कहा, पहले एक आदमी ने मुझ पर आरोप लगाए, उसके बाद इस मामले पर मोदी बोले, फिर राहुल बोले, यहाँ तक कि अकाली दल भी बोला। ये एक एजेंडा है जिसका मकसद पंजाब की जनता को गुमराह करना है। केजरीवाल ने कहा कि चन्नी साहब क्या कहते हैं कि भगवंत मान अनपढ़ है, शराबी है, केजरीवाल काला है, कोई काम नहीं गिनाता है, चुनाव के समय झूठ बोले जा रहे हैं, सुबह से शाम तक मुझे और भगवंत मान को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका गेम खत्म हो रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है और ये मान रहे हैं पंजाब का भविष्य सुनहरा है। भगवंत मान जैसे भी हैं, मोटे हैं, कुर्ता खुला पहनते हैं, बाल ठीक से नहीं बनाते हैं, वो जैसे भी हैं सबको पसंद है। उन पर जितने हमले किए जा रहे हैं वो उतने ही और मजबूत होकर उभर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।